के हुकूमत और पीटीआई की बाहमी रजामंदी से मुजाकरात का वक्त तब्दील हो गया है और मामला चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अहम बयान इस पर सामने आया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की बाहमी रजामंदी के बाद मुजाकरात का वक्त तब्दील कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुजाकरात कल सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से यह बयान सामने आ रहा है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुजाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुजाकराती कमेटी के अराकीन के मसरूफियात के बायस मुजाकरात का वक्त अब तब्दील कर दिया गया है। ये बताना है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का। मुजाकरात कल रात 9 बजे होंगे और मुजाकरात का जो मामला है इस हवाले से बात करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि बाहमी रजामंदी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की वक्त की तब्दीली पर बाहमी रजामंदी सामने आई है। कल सुबह 11 बजे के बजाय अब ये मुजाकरात रात 9 बजे होने जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक सईद हमारे साथ मौजूद, अब सिला जानते हैं। मलिक सईद, क्या बताना है चेयरमैन सेनेट का इस मामले पर मजीद? जी बिल्कुल, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुजाकरात का वक्त जो है वो तब्दील कर दिया गया और इस हवाले चेयरमैन सेनेट सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से जो है वो बाकायदा एक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि हुकूमत और पीटीआई के बाहमी रजामंदी के बाद मुजाकराती टीम का मुजाकरात का वक्त जो है वो तब्दील कर दिया गया है। मुजाकराती कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे की बजाय रात 9 बजे होगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुजाकरात जो है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट में ही मुनक्कद होंगे। मुजाकराती कमेटी के अरकान मसरूफियत के बायस मुजाकरात का वक्त जो है